हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के बारे में। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो जिसने भी इंजीनियरिंग की है, बीटेक मैकेनिकल आपने किया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आरओ हर जगह लगा होता है, हर प्लांट में इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो अभी हम बात करते हैं इस आरओ प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले देखिए इसमें क्या क्या लगा होता है। CWST हो गया हमारा, क्लैरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक, ठीक है। MGF हो गया हमारा, मल्टीग्रेड फिल्टर हो गया, बास्केट फिल्टर हो गया, अल्ट्रा फिल्टर वेसल हो गया, USWST अल्ट्रा फिल्टर वाटर स्टोरेज टैंक हो गया, ठीक है। यहाँ पे RO फीड पंप लगा होता है। ये क्यों लगा होता है ये सब मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पे डोजिंग करते हैं, मल्टीस्केलेंट SMBS की क्यों करते हैं ये भी बताऊंगा। माइक्रोन कार्टेज फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है ये, ठीक है। HP पंप है, HP पंप क्यों लगा है ये भी बताएंगे आपको। और फिर हमारा वाटर पास होता है RO मेम्ब्रेन में, कितने परसेंट पानी रिजेक्ट पे होता है, कितना परसेंट हम यूज़ करते हैं, वो सब डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम पहले बात करते हैं CWST, ठीक है। यहाँ पे हमारा पानी आ चुका है। यहाँ पे पानी कैसे आया है इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा स्टोरेज टैंक हो गया, यहाँ से पानी हम लेते हैं और पानी जाता है MGF में। MGF का काम क्या होता है? MGF का काम होता है टर्बिडिटी को ख़त्म करना, टर्बिडिटी, ठीक है। ये आपको वर्ड पहले सुना होगा, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं इसको। टर्बिडिटी को ख़त्म करना होता है, ठीक है। MGF को बोलते हैं मल्टीग्रेड फिल्टर, कुछ कुछ जगह यहाँ पे डुअल मीडिया फिल्टर भी यूज होता है, या कैसा होता है, या एक सिलिंड्रिकल वेसल टाइप का होता है, ठीक है। पंप के द्वारा जो हमारा क्लैरिफाइड वाटर है, ठीक, पर से MGF के थ्रू यहाँ पे आता है, ठीक है। और MGF के अंदर छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट डिफरेंट बेड होता है, ठीक है। उसकी एक अलग उसकी साइज होती है, ठीक है। उसका भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो वाटर होता है, ठीक, नॉर्मली MGF जो होता है वो क्या करता है, टर्बिडिटी रिमूव करता है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने का काम करता है, और क्लोरीन और आयरन को भी पार्टिकल को ट्रैप करता है, ठीक है। अब हमारा वाटर पास होता है बास्केट फिल्टर में। बास्केट फिल्टर के ऊपर आप देख सकते हैं एयर वेंट लगा होता है, ठीक है। और टर्बिडिटी जो होती है वो होती है लेस देन, ठीक है, 1 NTU, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर वाटर पाफ होता है बास्केट फिल्टर से हमारा। तो हमको कैसे पता चलेगा जो पार्टिकल है वो ट्रैप हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे इनलेट और आउटलेट का प्रेशर होता है, ठीक। वो कितना होता है, डिफरेंशियल प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो डिफरेंशियल प्रेशर जो होता है वो 0.3 से 0.5 के बीच में होता है, ठीक है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ख़त्म कैसे करते हैं, जब भी हमारा पानी में टर्बिडिटी या फिर ऑर्डर पानी का कलर चेंज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, बैकवाश करना पड़ता है। बैकवाश करने से क्या होता है, हमारा जो भी हमारी गंदगी होती है, जो भी पानी ऊपर का होता है वो पानी निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे कहीं कहीं पे यहाँ पे लगा होता है प्रेशर गेज लगा होता है देखने के लिए प्रेशर कितना है। और ये जो बास्केट फिल्टर होता है ये कितने का होता है, ये होता है 50 माइक्रोन का, ठीक है। बास्केट फिल्टर 15 माइक्रोन का होता है, और UF का जो वेसल होता है, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो वेसल होता है वो कितना होता है, 0.001 माइक्रोन। ये इतना छोटा होता है कि छोटा छोटा पार्टिकल जो होता है ना वो पास हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम इसका जो एफिशेंसी जो होता है वो 90% तक होता है, ठीक है, और बाकी जो 10% होता है वो जाता है रिजेक्ट में, ठीक। यहाँ पे टर्बिडिटी जो होती है हमारी
ठीक है, यहाँ पे जो टर्बिडिटी होती है वो हमारी होती है 0.5 NTU, ठीक है। और जितने भी डिवॉल्व सॉलिड हैं वो रिमूव हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो वाटर होता है वो पास होता है यहाँ पे, इकट्ठा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर स्टोरेज टैंक, ठीक है। यहाँ पे RO फीड पंप लगा होता है, आप देख सकते हो RO फीड पंप लगा होता है। और इससे क्या होता है, हम लोग पानी को भेजते हैं माइक्रोन कार्टेज फिल्टर में, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर डोजिंग करते हैं एंटीस्केरेंट और SMBS की, मतलब जो हमारा पीछे पानी आ रहा है अगर उसमें कुछ भी डिवॉल्व सॉलिड है या फिर उसका pH TDS अगर हाई जा रहा है तो हमें यहाँ पे डोजिंग करनी पड़ती है। एंटी स्केलर का काम क्या होता है, स्केलिंग को रिमूव करना, ठीक है। SMBS का काम क्या होता है, क्लोरीन को रिमूव करना। तो उसके बाद हम वाटर को पास करते हैं माइक्रोन कार्टेज फिल्टर से, ठीक है। माइक्रोन कार्टेज फिल्टर के बाद यहाँ पे जो भी पॉइजनस गैसेस होती है वो ऊपर निकल जाती है डिगेसर पंप के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे HP पंप लगा होता है। HP पंप क्यों लगा होता है, क्योंकि अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है यह एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अगर पानी को पास करेंगे तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि लो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल जो होता है वो ऑलवेज फ्लो करेगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल में, ठीक है। मतलब अब हमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अगर हमको उसके उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा तो उसके लिए हमें प्रेशर देना पड़ेगा। प्रोसेस तो हो चुका है, लेकिन अब रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे पंप लगाना पड़ा है, हाई प्रेशर पंप, ठीक है, जो कि काफ़ी तेज प्रेशर से पानी को पास करेगा RO मेम्ब्रेन में। RO मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे जब पानी पास होगा तो हम यहाँ पे जो रिएक्ट वाटर हमारा होता है वो निकल आएगा, और बाकी जो फ्रेश वाटर होगा उसको हम लोग स्टोरेज करेंगे RO स्टोरेज टैंक में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे लिंक दिया हूँ मैं MGF फिल्टर, डुअल मीडिया फिल्टर और बहुत सारे ETP के प्रोसेस के बारे में, वो आप देख सकते हो। थैंक यू।